Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. वेराक्रूज की बंदरगाह पर हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन हमारा प्लान काम कर गया और हम लोग वहां से बच निकले। बस हम अपना जबरदस्त शिप खो चुके थे। ये सब कुछ जिम तुम्हारे लिए मुश्किल था, एक कैप्टन होने की हैसियत से जानता हूँ मैं। हमारे लिए मुश्किल था एल्बर्ट्रॉस को यूं जलते हुए देखना। हमें कैदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था और बीमार मरीजों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि जोजो के साथ क्या हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आखिरकार भाग निकले, हर खतरे से बचते बचाते। लेकिन इस सब के दौरान मैंने बहुत कीमती चीज खो दी थी जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता था। थोड़ा और ऊपर करो, इन्हें समझ क्यों नहीं आती रफ्तार बढ़ानी है। सेल्स इससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकती और इससे तेज नहीं जा सकते। किस किस्म का बेकार शिप है ये? शुक्र है कुछ खाने के लिए तो है यहाँ। मुझे वेराक्रूज वापस जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है? जब एल्बर्ट्रॉस को जलाया जा रहा था तब कॉर्डेक्स भी उसी शिप पर थी। मुझे खुद जाकर देखना होगा कि क्या वो आग में पूरी तरह से जल चुकी है या फिर उसे किसी ने चुरा लिया है। No, I'm sorry, Jim. इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम वहाँ वापस जाना चाहते हो? बुक की खातिर कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा, ऐसा नहीं हो सकता, सुना तुमने? कॉडेक्स कोई एक मामूली सी बुक नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आप में से किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं वहाँ अकेला जाऊँगा। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते, ब्लेड और शैडो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। डिसाइड हो गया, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रही, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नीचे कमरे में तुम्हें बंद कर दूंगी। लेन, वो बुक मुझे डॉक्टर लिविसी ने दी थी, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे साहिल के करीब ले जाएं, बाकी मैं खुद देख लूंगा। एक तो तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है, असली हीरो कौन होता है पता है? जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हर मुश्किल घड़ी में दूसरों का साथ देता है। मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन हमें दुनिया को ज़ॉम्बी से बचाना है और सिर्फ कॉडेक्स की ही मदद से हम ऐसा कर सकेंगे। क्यों बेन? बेन जिंदा होता तो कैप्टन जिम का साथ जरूर देता। कैप्टन जिम की बात सब मानो और उसका मजाक उड़ाना बंद करो फौरन। मैं पहले ही प्लान बना चुका हूँ, भेस बदल कर शहर में दाखिल होऊंगा और छुपकर सारी मालूमात हासिल करूंगा कि बुक कहाँ है। आप लोग साहिल के पास ही रहिएगा, बुक मिलते ही मैं शिप पर पहुँच जाऊँगा। वाह क्या प्लान है, मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो जाके। लॉन्ग जॉन सही कह रहे हैं, ये बहुत बुरा आइडिया है, तुम मुसीबत में फंस गए तो कौन बचाएगा फिर? मैं फ्लिंट को साथ ले जाता हूँ, ये मेरे और तुम सबके बीच में मैसेंजर का काम करेगा। क्या कहते हो फ्लिंट, तुम चलोगे ना मेरे साथ? फ्लिंट तैयार है। मैंने तुम पर भरोसा किया था डॉन पुरारा, और तुमने क्या किया? जानते भी हो पूरे शहर के लोग कितने डरे हुए हैं इस वक्त। ये डर खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है जानलेवा बीमारी का बहाना करके हमारे शहर में खौफो हरास फैलाया जा रहा है। ये सब पायरेट्स की एक चाल है, मगर हमें उन्हें दोबारा पकड़ना होगा। मैं अभी उनको ढूंढने के लिए निकलता हूँ, इसके लिए मुझे और कश्तियाँ चाहिए। मैं उन फजूल लोगों के लिए अपने शिप तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, वो कहाँ गए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब तुम्हारा शिकार है, जो चाहे करो। तो ठीक है, फिर मैं खुद ही कर लूंगा, और इन सब के लिए मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। योर एक्सलेंस, लॉर्ड ब्लेड की बातों का बुरा मत मानिएगा, शायद उन्हें आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। ये तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि मुझे अपने एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करवानी है। लॉक बनाने वाला तो कभी नहीं चाहता कि कोई भी इसे आसानी से खोल ले। वेल, फिर तो वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये कुछ कपड़े मिले हैं हमें, देखना इन्हें पहनकर तुम बिल्कुल स्पेनिश सेलर लगोगे। क्यों जिम? मुझे भी यही लगता है, लेकिन शायद मेरा रंग स्पेनिश लोगों जैसा नहीं है। मैं जाकर तुम्हारे लिए मेकअप तैयार करता हूँ। मैं ये काम पहले भी कई दफा अपने दोस्तों के लिए कर चुका हूँ। और फ्लिंट भी जाने के लिए तैयार है। इसे मैंने अच्छी तरह सिखा दिया है कि इसे क्या करना होगा। इन्हें दिखा दो फ्लिंट कि तुम वो टिकट ला सकते हो जो मैंने कमान में छुपाया है। फिर ये बिस्किट तुम्हारा। फ्लिंट बिस्किट ला सकता है। उस तरफ नहीं फ्लिंट, मैंने अभी बताया कि टिकट कमान में है। Well, फ्लिंट को बेस्ट मैसेंजर तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कल की ट्रेनिंग तक सीख जाएगा। देखो, बिल्कुल स्पेनिश लग रहा है जिम। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? परफेक्ट। वादा करो तुम जल्दी वापस आओगे जिम। ये रात गुजारने के लिए अच्छी जगह लग रही है। अब रेस्ट कर लेना चाहिए फ्लिंट, मुझे लगता है कल एक बहुत मुश्किल दिन होगा। गुड नाइट मेरे छोटे दोस्त। गुड नाइट। गुड नाइट माय फ्रेंड। सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कि ब्लेड और शैडो इस वक्त कहाँ हैं। अगर कॉडेक्स को चोरी कर लिया गया है तो यकीनन उन्हीं में से किसी के पास होगी। ये तो गवर्नर ब्लेड की शिप है, मुझे किसी तरह इस शिप पर जाना होगा। तो तुम क्या करोगे इंग्लैंड जाकर? किसी की कश्ती पर काम करोगे या घर बसाओगे? घर बसाऊंगा? क्या बात कर रहे हो, मैं वापस सेल करूंगा। मैं वापस कॉर्नवॉल जाऊंगा। मैं आज भी यही काम कर रहा होता अगर मेरे कैप्टन ने मुझे चोरी के इल्जाम में नहीं फंसाया होता। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, मगर क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जाओ, वहाँ कश्ती खड़ी है, उन्हें हमेशा ही काम करने वालों की जरूरत रहती है। हे, तुम्हारा तोता अच्छा है, क्या नाम है इसका? इसका नाम पेड्रो है। वाह, ये तो बोलता भी है। तो तुम इसे क्या कहते हो, पेड्रो या फ्लिंट? और इसने बोलना कब शुरू किया, और तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे लगता है कि ये किसी दूसरी शिप से आया है, शायद ये खो गया होगा तो मैंने अपने पास रख लिया और नाम पेड्रो रखा। मुझे ये पसंद है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। असल में बात यह है कि मैं इसे बेच नहीं सकता, ये मेरा दोस्त है। ओके, ठीक है, तो जाओ यहाँ से। जल्दी करो, हमें रात को सेल करना है। तेज तेज काम करो। हेलो सर, क्या मुझे काम मिल सकता है? हाँ? आपके पास तो ठीक है, पैसे अच्छे हैं और खाना भी। अगर काम करना है तो शुरू हो जाओ। मुझे किसी तरह लोअर केबिन्स तक पहुंचना है।
हे, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो। ओह नो सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस रास्ता भूल गया था। ठीक है, उस तरफ है रास्ता। मैं नीचे वाले केबिन तक कैसे पहुंचूंगा समझ नहीं आ रहा। इस शिप पर तो बहुत लोग हैं। हाँ? मुझे लोगों का ना करना पसंद नहीं। अब से ये तोता मेरा हुआ। हाँ? और ये रहा तुम्हारा एक गोल्ड कॉइन। हो सकता है मैं पायरेट हूँ, लेकिन बुरा इंसान नहीं। फ्लिंट पायरेट, फ्लिंट पायरेट, फ्लिंट पायरेट। पेड्रो, मेरे दोस्त, शायद हमारे लिए यही बेहतर है। मैं ये पैसे रख लेता हूँ और तुम इसके साथ चले जाओ, ठीक है? कैसी दोस्ती है तुम्हारी, हाँ? छोटी सी कीमत के बदले बिक गई। इस वक्त यही करना बेहतर था। अब मुझे प्लान चेंज करना होगा और फ्लिंट को भी बचाना होगा। कैप्टन, सब कश्ती पे आ गए। रॉयल के लिए सफर शुरू करो। सिल्वर से बदला लेने के बारे में इतना मत सोचो। अब हमारे पास जादू की बेहतरीन किताब कॉडेक्स है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे हम उसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मगर पहले मैं हुरेकॉन की कैद से आजाद हो जाऊं, फिर मेरे लिए बदला लेना आसान हो जाएगा।